एक ओर जहां हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है, वहीं उत्तर पूर्व में एक अलग ही तस्वीर दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की सालाना रिपोर्ट बताती है कि उत्तर पूर्व के इलाकों में, खासतौर से मणिपुर राज्य में, बारिश का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। एक जमाना हुआ करता था जब 1990 के दशक तक आपको याद होगा कि उत्तर पूर्व में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश होती थी। 2000 आते आते ये बारिश औसत होनी शुरू हुई और अब 2010 के बाद से ये देखा जा रहा है कि सामान्य से कम बरसात इन इलाकों में दर्ज की जा रही है। 1961 से लेकर 2010 तक के औसत लॉन्ग टर्म एवरेज को देखने के बाद मौसम विभाग ने पाया कि मणिपुर राज्य में अभी जो बरसात हो रही है वो सामान्य से 50% तक कम है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां कई जनजातियां यानी ट्राइबल्स रहते हैं और इसके अलावा ये बायोडायवर्सिटी का हब भी है, इसलिए यहां के जनजीवन पर इसका असर पड़ना तय है। इसके अलावा एक और बात जो वक्त वक्त पर और लंबे समय से और फिलहाल अभी देखी जाती रही है कि मणिपुर नस्ली हिंसा का शिकार रहा है, जिसके कारण भी यहां लोगों की आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ता है। और उसके बाद अब बरसात का इतना कम होना खासतौर से धान की खेती को बर्बाद कर रहा है। नीति निर्माता कहते हैं कि यहां पर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप की उन्होंने सिफारिश की है, यानी ऐसे बीज दिए जाएं जो जलवायु परिवर्तन के असर को झेल सकें। लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ता रहा तो आखिर कब तक इस तरह के उपाय काम करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मौसम और जलवायु देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह अलग अलग रंग दिखा रही है और हम आपको ये बताते आए हैं, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज किसी भी तरह केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक असर होने जा रहा है।